क्या हो गया? बैठ जाओ, आ जाइए आप। चलो बैठ जाओ सर, हम बुलाएंगे विराज। रोगी बीमार इन सबको दरबार के बीच में नहीं बैठाना है, क्योंकि भीड़ बहुत है। कहां से है? माइक लो पहले तो। इंदौर से ही है। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए क्या बात है? बालक के विशेष से परेशान है, बालक के विशेष से परेशान है। क्या नाम है? रिंकी। रिंकी बालक का नाम है। नजदीक आओ। आपके इसमें दो प्रश्न आए हैं। तबीयत ठीक नहीं, घर पर रहती, हालत विचित्र रहती है। माइक से हाँ या ना तो बोलो। हाँ। हालत विचित्र रहती, बहु उपद्रव मचाती है, घर में कलेश मचाती है, घर में कलेश मचाती है। वह सबको अपने बस में करना चाहती है, अपने अनुसार चलाना चाहती। बीच में कई बार उसने टोटका भी किया, मायके के घमंड में है, मायके का घमंड है बहुत ज्यादा, अपने मायके का घमंड है। आना नहीं चाहती, रहना भी नहीं चाहती, अथवा अपने हिसाब से रहना चाहती। ये तीन उसके मनोभाव हैं। बालाजी कृपा करेंगे, रिंकी की बुद्धि शुद्ध होगी, सुधरेगी, सामंजस्य बनेगा, कलेश शांत होगा, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। सीताराम जय श्री राम। क्या पहले से आपने बताया किसी को? नहीं। कहाँ रहते हैं? इंदौर में। इंदौर में जेल रोड, वो अपने अन्नपूर्णा नगर पे। हमें फोटो दे दियो। घर पर आप एक कात्यायनी माता का अनुष्ठान करवा देना, बागेश्वर बालाजी कृपा कर देंगे, जाओ आशीर्वाद। जय सीताराम। आओ दादा, जो लास्ट में खड़े थे धूप में, आप वही हैं। आ जाओ। बोलो सीताराम। सब जो जहां खड़े वहीं से बोलो, भैया मन में राम नाम को खूब जाप करो। हम तो कहीं जाओ, तुम्हारी भी अर्जी सुन ले बालाजी। चश्मा लगा लो। हाँ लगा लो, लो हम लगाए दई थे। बोलो गुरुदेव भगवान की, बालाजी सरकार की। जलवा है भैया, ये तो बुढ़ापे में जलवा है। इंदौर के तो नहीं? ठीक, मूसा खेड़ी तरफ तो नहीं रहा था? अच्छा ठीक, हम आओ। चंगी लाल है कैसे? अच्छा तुमने विचार न करो हुई है कि हमें भी बुला सकते हैं? वो तो धूप में कैसे खड़े थे? माइक लो। हाँ वाह, माइक लेंगे, माइक लेंगे। हमारे साथ में हमारे भैया भी हैं आलोक जी, उनकी श्रीमती जी भी है और हमारी श्रीमती जी भी हैं। वाह, वो सब बहुत उत्सुक है आपसे चरण स्पर्श करने के लिए। बोलो क्या बात है? बस थोड़ी सी शरीर में पीड़ा है और कोई भी काम करने जाते हैं, कोई नहीं पाते, यहाँ तक आते हैं और खसक जाते हैं। हे भगवान, ये तो बड़े रसिया हैं भैया। कभी चंगी लाल से मिले हमारे? आपके चंगी लाल से तो दर्शन ही हो जाए। इसमें दो प्रश्न आए। परिवार में बीमारी, काम में रुकावट बनी, कृपा होगी आशीर्वाद? आपको कमर में दिक्कत बनी हुई है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है,
पेट में भी दिक्कत बनती है, दोनों परेशानियों से आप वर्तमान में बहुत हैरान चल रहे हैं। ऑपरेशन नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करें, धाम से ही आराम लग जाएगा, आज से काम सफल होन लग हैं। ऐसे ही रसिया बने रहो, राम नाम जप करत रहो, आशीर्वाद। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। क्या एकदम सही। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारी खोल के तरह सी परेशानी लंबी इसे बताई, बीच बीच में घर में जो नोक झोंक होने लगा के एकदम क्लियर है कि बनावटी चीजें हैं कि का है, हम नक ना काट दे भी तुम्हारी, अब ना कहियो, अब क्लियर है, फुल फुल पावर है। हाँ बोलो सीताराम। सीताराम धाम पे एक कवच आपको मिलेगा जी, और उस कवच को आपको लेना है, वही से कृपा हुई है, बाकी बहुत अच्छा है। एक काम करो, हो सके तो नवचंडी पाठ का आदेश लग रहा, नवचंडी पाठ आप करवा दो। नवचंडी पाठ के साथ साथ नौ नींबू, नींबू नौ नींबू नौ दिन तक लाल रंग का तिलक लगा करके किसी भी भगवती के मंदिर में रखना प्रारंभ कर दो। सोमवार के दिन से प्रारंभ करना, विराम का कोई भी दिन पड़े हनुमान जी ऐसी दया करेंगे कि 27 दिन बाद आपका रास्ता खुलने लगेगा, काम चलने लगेगा और तेज गति के साथ जीवन में सफलता मिलेगी। जैसी सफलता है आपकी 2008 और 10 में एक पीक टाइम था। बराबर यस नो बिल्कुल यस 2008 और 2010 में जो पीक टाइम था वो लौट कर 2022 लास्ट और 23 में रहेगा, 24 में रहेगा। आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। परिवार को वहीं से आशीर्वाद दे देते हैं, सबको, पूरे इंदौर को आशीर्वाद। बस बस आशीर्वाद, नहीं नहीं जो आदेश होता हम आदेश पे काम। बोलो सीताराम सीताराम।